चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार को रेवाड़ी में भी सीएम फ्लाइंग टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा बरामद किया था। एनसीईआरटी की नकली किताबों में जो स्याही का प्रयोग किया जा रहा है उससे कैंसर जैसी घातक बीमारी उत्पन्न हो सकती है। देखिए दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर महेंद्रगढ़ से तो वहीं दूसरी तस्वीर रेवाड़ी से। दोनों ही जगह पुलिस ने यहाँ पर सीबीआई ने और शिक्षा विभाग ने रेड मारी जहाँ से नकली एनसीईआरटी की किताबें बरामद की गई। एनसीईआरटी की नकली किताबों पर बोले शिक्षा मंत्री, गलत पुस्तकें बेचने वालों पर करेंगे कार्रवाई। ऐसी काफी शिकायतें मिल रही है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको दे दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। यहाँ पर नकली एनसीईआरटी की किताबों से जुड़ी आपको बता दें, एनसीईआरटी की नकली किताबों पर शिक्षा मंत्री बोले कि गलत पुस्तकें बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि इस तरह की शिकायतें काफी मिल रही है, ऐसे में उन्होंने कहा कि गलत पुस्तकें बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वजह यह कि बताया जा रहा है जो नकली एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें जो स्याही का प्रयोग किया जा रहा है वो कैंसर जैसी घातक बीमारी कर सकती है। तो ऐसे में बच्चों की न केवल पढ़ाई बल्कि उनके जीवन के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ है। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने नकली एनसीईआरटी की किताबों को बेचने पर बोला कि गलत पुस्तकें बेचने वालों पर कार्रवाई करेंगे। कंवरपाल ने कहा कि ऐसी काफी शिकायतें मिल रही है। तो देखिए काफी जगहों पर लगातार रेड भी मारी जा रही है, काफी जगहों से नकली किताबों का जखीरा बरामद किया गया है, लेकिन ऐसे में कंवरपाल का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी नकली किताबें बेच रहा है उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसी काफी ज्यादा शिकायतें सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार आप तक हम खबर पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर रेड पड़ चुकी है, कई डिपो पर रेड पड़ चुकी है जहां से नकली एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा बरामद किया गया है। ऐसे में कोशिश जारी है कि जहां पर भी खेप पहुंच चुकी थी या जहां जाने वाली है वहां से भी किताबें बरामद कर ली जाए। कहीं भी कोई भी हमें मिलेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी ने इस प्रकार का कोई भी कहीं इस प्रकार की पुस्तकें छापी और उस प्रकार की बेची है।